नमस्कार, आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज के ग्रामर में पार्ट 6 के अंदर जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसके अंदर हम वो बात करते हैं जो भूतकाल में कोई कार्य जो चल रहा था, यानी कि पास्ट के अंदर जो कोई कार्य चल रहा था हम उसके बारे में बात करते हैं। इसकी पहचान आईएनजी रहेगी, वर्ब में आईएनजी लगेगा और साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वह वाज या वर्ब वर लगेगा। यहाँ हम कुछ पर्संस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पर्संस देख लेते हैं। हमारे पास कुछ पर्संस हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और उनके सिंगुलर और प्लूरल। यदि हम बात करें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की तो आई है। आप ये ध्यान रखें कि आई के साथ हमेशा वाज आएगा। इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी, ही, इट, दिस, दैट या किसी भी के नेम के साथ में वाज आएगा। बाकी सब पर्सन्स के साथ में वर लगेगा, वर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव के अंदर हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है, रोहित प्लेज क्रिकेट, ये सिंपल प्रेजेंट के अंदर है। इसी का अगर पास्ट हमने देखा होगा तो वो बनाया था रोहित प्लेड क्रिकेट, यानी कि प्लेज का हमने क्या कर लिया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की थी। और यदि इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो हमने कहा था रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो आप ध्यान रखिए कि जहाँ यहाँ इज़ है वहाँ पर वाज आएगा। तो पास्ट टेंस में रोहित वाज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस था वो था रजनी सिंग्स अ सॉन्ग। ये सेंटेंस प्रेजेंट में था, इसका हमने सिंपल पास्ट बनाया था, तब ये सिंह का सैंग बना दिया था, रजनी सैंग अ सॉन्ग। और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, रजनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रजनी गाना गा रही है। और यदि हम इसको पास्ट में बदलें तो हमारे पास इज का क्या बन जाएगा, वाज बन जाएगा, रजनी वाज सिंग। हमारे पास जो सेंटेंस था वह था आई राइट अ लेटर, इसका हमने सिंपल पास्ट बनाया था आई रॉट अ लेटर। और यदि हम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस देखें तो आई एम राइटिंग अ लेटर। अब जब पास्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं तो एम की जगह क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ भी क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो आई वाज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो सेंटेंस था वी ईट मैंगोज, इसका हमने पास्ट बनाया था वी एट मैंगोज। और इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारे पास रहेगा वी आर ईटिंग मैंगोज। अब याद रखिए कि सिंपल जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर व थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी सबके साथ में वर आएगा। तो अब यहाँ पर वी के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। तो आर का चेंज हो जाएगा वर, वी वर ईटिंग मैंगोज। नेक्स्ट चेक करते हैं, आप इसको कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस बोलूँगा, आप अपने जो लिखे हुए पुराने टेंसेस से पैटर्न मैच कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बनेगा यू वर वॉशिंग योर क्लोथ्स, पहले था आर प्रेजेंट के अंदर तो अब ये वर चेंज हो जाएगा, यू वर वॉशिंग योर क्लोथ्स। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास जो सेंटेंस था वो था दे आर डूइंग देयर होमवर्क, तो आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, वर। दे वर डूइंग देयर होमवर्क, वे अपना होमवर्क कर रहे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर शी इज फिनिशिंग हर वर्क, वह अपना कार्य समाप्त कर रही है। तो अब यहाँ पर इज का क्या बन जाएगा, वाज, शी वाज फिनिशिंग हर वर्क। याद रखिए शी कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास जो सेंटेंस रहेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। याद रखिए कि ये प्रेजेंट आई जो है वो आपके पास क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो एम के जगह क्या बन जाएगा, वाज आएगा पास्ट के अंदर। तो हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरह बनेगा, आई वाज गोइंग टू स्कूल। अब हम इसका एक रूल बना लेते हैं। ध्यान रखिए कि आपको यह रूल्स याद नहीं करने, आपको एग्जांपल्स, एक किसी एग्जांपल को फॉलो करना है और उससे हेल्प से रूल बनाने हैं। आप इसे कॉपी में ज़रूर करिए वरना ये आपको याद नहीं हो पाएंगे। यहाँ रूल देखते हैं, आई कौन है, सब्जेक्ट है, सेकंड में क्या आएगा, वाज या वर आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, और आई यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, वाज आएगा, बाकी सबके साथ में वर आएगा। उसके बाद वर्ब और उसके साथ में क्या लगेगा, आईएनजी, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम इसका नेगेटिव कर लेते हैं यानी कि नकारात्मक वाक्य। आपको वाज या वर हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट लगाने से आपका नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। रोहित वाज प्लेइंग क्रिकेट, अगर वाज के बाद आप नॉट लगा देंगे तो आपके पास बन जाएगा, रोहित वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि रोहित क्रिकेट नहीं खेल रहा था। रजनी वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको सिर्फ वाज या वर के बाद में नॉट लगाना है। आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, वी वर नॉट ईटिंग मैंगोज, नेक्स्ट यू वर नॉट वॉशिंग योर क्लोथ्स, they were not doing their homework। ये सेंटेंस देखिए आप, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, तो इसमें आप पाएंगे वी यू और दे, ये सब क्या है, ये प्लूरल या फिर सेकंड पर्सन है, तो आप देखेंगे इनके साथ में क्या लगा है, वर। सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वाज लगता है, बाकी सबके साथ में वर लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी वाज नॉट फिनिशिंग हर होम वर्क, नेक्स्ट आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसका हम एक रूल बना लेते हैं, आई कौन है, सब्जेक्ट है, उसके बाद में आपके पास क्या आएगा, वाज या वर, वर आएगा, फिर क्या आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आईएनजी, और लास्ट में क्या आपके पास आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसी चीज़ को हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक सेंटेंस है। अब इसको जब सेंटेंस एक क्वेश्चन होगा तब हम, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगी। तो हमारे पास जो पास्ट कंटिन्यूस में जो सेंटेंस था वो था, रोहित वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ जो वाज लगा हुआ था वो यदि आप फर्स्ट पोजीशन पर ले आते हैं तो आपके पास सेंटेंस बन जाएगा, वाज रोहित प्लेइंग क्रिकेट, क्या रोहित क्रिकेट खेल रहा था। इसी तरह नेक्स्ट, वाज रजनी सिंगिंग अ सॉन्ग, नेक्स्ट आपके पास जो सेंटेंस था वह था, आई वाज राइटिंग अ लेटर,
तो यदि आप वाज को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आते हैं तो आपके पास सेंटेंस बनेगा वाज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा था। नेक्स्ट वी वर ईटिंग मैंगोज था, आप वर को उठा के फर्स्ट पोजीशन पे ले आए तो आपके पास सेंटेंस बन जाएगा वर वी ईटिंग मैंगोज, क्या हम आम खा रहे थे। नेक्स्ट वर यू वॉशिंग योर क्लोथ्स, इसी तरह आपके पास आगे के सेंटेंस भी बन जाएंगे। वर दे डूइंग देयर होमवर्क, वॉज शी फिनिशिंग हर वर्क, वॉज आई गोइंग टू स्कूल। इसकी हेल्प से आप एक रूल बना सकते हैं, तो आपके पास जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, पहला आएगा वाजवर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसके साथ में हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जो नकारात्मक हैं। तो हमारे पास जो पहला सेंटेंस था वो क्या था, रोहित वाज प्लेइंग क्रिकेट, और इसका जब हमने नेगेटिव बनाया था तो आपके पास बन गया था रोहित वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और यदि हम वाज को फर्स्ट पोजीशन पर लेके आए तो हमारे पास बनेगा वाज रोहित नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आप नेगेटिव से इजीली यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है उसे आप फर्स्ट पोजीशन पर ले आए। नेक्स्ट वाज रजनी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इसको साथ साथ आप लिखते रहिए। नेक्स्ट वाज आई नॉट राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट वर वी नॉट ईटिंग मैंगोज। नेक्स्ट वर यू नॉट वॉशिंग योर क्लोथ्स। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस था वो था दे वर, तो वर यहाँ था नॉट डूइंग देयर होमवर्क, इस वर को आप फर्स्ट पोजिशन पर ले आए तो आपके पास बन जाएगा वर दे नॉट डूइंग देयर होमवर्क। नेक्स्ट वॉज शी नॉट फिनिशिंग हर वर्क, क्या वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर रही थी। वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था। इस तरह से हमारे पास इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी समाप्त होते। ध्यान रखिए कि जब भी इंटरोगेटिव आए तो आप इसके क्वेश्चन मार्क से ज़रूर क्लोज करें, और जो स्टार्टिंग किसी भी सेंटेंस का जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो आपके पास कैपिटल में होना चाहिए। इसका हम रूल बना लेते हैं। आपके पास जो रूल बनेगा वो ये बनेगा वाज या वर फर्स्ट पोजीशन पर, नेक्स्ट में आपके पास आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, और लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपको रूल्स याद नहीं करने, आपको सिंपल एग्जांपल्स ही लिखने हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करिए, साथ ही मेरे चैनल samajhraj.weebly.com पर भी आपको ये वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू।